उदयपुर वाटी स्थानीय कस्बे से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित कोट बांध पर चल रही चादर लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है। इस दौरान झुंझुनू पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने विजिट किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उदयपुर वाटी थाना अधिकारी भगवान सहाय मीणा को कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए कोट बांध पर पुलिस के जवान और तैनात किया जाए, जिससे कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ सके। असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन से अन्य पुलिसकर्मी भी लगाए जाएंगे तथा झुंझुनू से रेस्क्यू टीम के जवान भी लगाए जाएंगे, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर रोक लग सके। झुंझुनू पुलिस अधीक्षक ने विजिट के दौरान 14 अगस्त को श्री माधोपुर के युवक सचिन मीणा की हत्या के मामले में उदयपुर वाटी थाना अधिकारी भगवान सहाय मीणा से जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अरावली की वादियों में स्थित कोट बांध अपने क्षेत्र में एक अलग से पहचान बनाने वाला स्थान है। इस पर असामाजिक तत्व यदि किसी वारदात को अंजाम देते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोट बांध पर उपद्रव मचाने वाले असामाजिक तत्वों के लिए उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य पुलिस के जवान लगाए जाएंगे तथा तैराकी भी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अरावली की वादियों में स्थित कोट बांध इन दिनों आकर्षक का केंद्र बना हुआ है, मगर अपनी जान जोखिम में डालकर ऐसा काम ना करें जिससे कि उसके परिणाम बुरे हों। काफ़ी रमणीक स्थान है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, विजिट करते हैं टूरिज्म के हिसाब से। बट साथ साथ क्योंकि इस बार काफ़ी अच्छी बरसात हुई है और पानी काफ़ी भर गया है, तो इस तरीके की भी शिकायतें आती हैं और इनफैक्ट घटना भी हो चुकी है कि लोग इस बांध में डूब करके मर जाते हैं। तो एक तरीके से दोनों पर्पज़ था, इस एरिया को विजिट करने के साथ साथ यहाँ पर किस तरीके की समस्याएं हैं और किस तरीके उसका निदान किया जा सके, यहाँ पर परमानेंट, ताकि लोग इस तरीके का दुस्साहस ना करें, उसके लिए परमानेंट स्टाफ लगाया गया। साथ साथ जो हमारे पास एक रेस्क्यू टीम है उसको भी यहाँ पर लगाया जाएगा बारिश के मौसम को देखते हुए। हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई हादसा ना हो। सर जरा सर आपकी देख रेख के सामने आप विजिट किया तो उसमें ये देखा गया कुछ लोग अति उत्साह में, जैसा मैंने पहले बताया, अति उत्साह में ये कोशिश करते हैं कि ऊपर के जहाँ पर नहीं आना चाहिए वहाँ आ जाते हैं, इसीलिए परमानेंट पुलिसकर्मी लगा रखे हैं और ब्रेथ एनालाइजर वगैरह से कंटिन्यूस चेक किया जा रहा है। यदि कोई शराब पी करके यहाँ पर आता है या कोई हुड़दंग मचाता है उसके खिलाफ़ त्वरित कार्रवाई की जाएगी।